हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्लास फर्स्ट। टुडे वी रीड चैप्टर 12 ऑफ दिस बुक माय स्कूल। वी गो टू स्कूल टू स्टडी। हम सब स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ जाके हम अच्छी राइटिंग सीखते हैं, रीड करना सीखते हैं, कैसे हमें बातचीत करनी चाहिए वो सीखते हैं, गुड मैनर्स सीखते हैं, गुड हैबिट्स हम सीखते हैं, और ये सब हमें हमारे टीचर्स सिखाते हैं। ठीक है, तो हम स्कूल जा कर के क्या क्या सीखते हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती है, कौन हमारी हेल्प करता है, यही सब चीज़ें इस चैप्टर में हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। वी गो टू स्कूल टू स्टडी। हम स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं। वी लर्न टू रीड एंड राइट। हम वहाँ पर जाकर रीडिंग करना और राइटिंग करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? रीड एंड राइट। वी आल्सो लर्न गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स एट स्कूल। हम स्कूल में गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स भी सीखते हैं। ए टीचर टीचेस अस इन स्कूल। एक टीचर हमें स्कूल में ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। वी आल्सो लर्न टू सिंग। हम गाना गाना सीखते हैं, डांस सीखते हैं, प्ले खेलना सीखते हैं, एंड शेयरिंग मीन्स अपने दोस्तों के साथ कोई चीज़ मिल बांट के कैसे रखनी है, कैसे हम मिलजुल कर कोई काम कर सकते हैं, वो चीज़ भी हम स्कूल में ही सीखते हैं। विद अदर्स वी आल्सो मेक फ्रेंड्स एट स्कूल। देन स्कूल में होता है सबसे मेन जो होता है वो होता है क्लासरूम। तो क्लासरूम में कौन कौन होते हैं, देखो यहाँ पे क्लासरूम के पिक्चर दे रखी है आपको। ये एक टीचर है और ये सब स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं, टीचर भी क्लास के अंदर हैं। टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो टीच कर रहे हैं। टीच मीन्स पढ़ाना। टीचर टीचेस स्टूडेंट्स। कहाँ पढ़ा रहे हैं? एक ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड है जिस पे कुछ चार्ट्स भी लगे हुए हैं और बच्चे यहाँ पर बैठकर कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। इन स्कूल वी सिट इन आवर क्लासरूम। कहाँ पे बैठे हैं बच्चे? सारे स्टूडेंट्स कहाँ बैठे हैं? क्लासरूम में। ए क्लासरूम हैज़ डेस्क टू राइट एंड बेंचेस टू सिट। एक क्लासरूम में ये डेस्क होती है और ये बेंच होती है। डेस्क के ऊपर बच्चे अपना बैग और बुक्स रखते हैं और राइटिंग करते हैं, और बेंच के ऊपर बच्चे खुद बैठते हैं और बैठकर पढ़ाई करते हैं। देयर इज़ आल्सो ए ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे देखो ब्लैक बोर्ड भी दिख रहा है हमें। द टीचर टीचेस अस ऑन ब्लैक बोर्ड। टीचर ब्लैक बोर्ड पे टीच करते हैं। द टीचर यूजेस चॉक टू राइट ऑन इट। टीचर ब्लैक बोर्ड पे चॉक से राइट करते हैं और उसको जब हम लोग लिख लेते हैं तो डस्टर से उसको साफ़ कर देते हैं। तो टीचर चॉक से लिखते हैं और डस्टर से इरेज कर देते हैं। ए डिस्प्ले बोर्ड इज़ देयर ऑन वॉल ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम के वॉल पे, दीवार पे एक डिस्प्ले बोर्ड भी है। वी डिस्प्ले चार्ट्स, पेंटिंग्स एक्सेट्रा देयर। और वहाँ पे हम अपने चार्ट्स और पेंटिंग्स लगाते हैं। ए क्लासरूम हैज़ ए डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट्स। जो भी कूड़ा कचरा होता है उसको हम डस्टबिन में डालते हैं, उसके लिए डस्टबिन भी क्लासरूम में रखा हुआ है। वी शुड कीप अवर क्लासरूम नीट एंड क्लीन। और हमें हमारे क्लासरूम को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। देन टर्न ऑन द पेज। देर इज ए एक्सरसाइज हियर, मैच द फॉलोइंग। तो आपको मैच करना है इसको। कैसे करना है? मैच टू फाइंड द पेयर्स। इनका पेयर्स बनाना है। चॉक से हम राइट करते हैं तो इरेज किससे करते हैं? डस्टर से। चॉक, डस्टर, पेंसिल रबर, बेंचेस डेस्क, क्लास रूम, डिस्प्ले बोर्ड, चार्ट। तो ये इनके जोड़े बन गए, पेयर बन गए। चॉक, डस्टर, पेंसिल, रबर, बेंच, डेस्क, क्लास रूम, डिस्प्ले बोर्ड, चार्ट। ठीक है, दिस इज़ ओनली द टुडेज क्लास। यू शुड लर्न दिस एंड स्टडी दिस, रीड दिस चैप्टर एट योर होम। थैंक यू।